हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा फॉर यू में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की मान्यता क्या है और 2022 को पड़ने वाले भाई दूज का क्या शुभ मुहूर्त होगा और उसकी पूजा विधि क्या होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इसका दूसरा नाम यम द्वितीया या भात्र द्वितीया भी है। दीपावली के दो दिन बाद भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व के साथ ही 5 दिन के दीपोत्सव का समापन हो जाता है। इस साल कई लोग भाई दूज की तारीख को लेकर बहुत ही कंफ्यूज हैं। कुछ लोग इसे 26 अक्टूबर को या तो कुछ लोग 27 अक्टूबर को मना रहे हैं। आइए जानते हैं सही डेट के बारे में। भाई और बहन के इस पावन त्यौहार को क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की क्या मान्यता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की 2 संतान थी, यमराज और यमुना। दोनों में बहुत प्रेम था। बहन यमुना हमेशा चाहती थी कि यमराज उनके घर भोजन करने आया करे, लेकिन यमराज उनकी विनती को टाल देते थे। एक बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर दोपहर में यमराज उनके घर पहुंचे। यमुना अपने घर के दरवाजे पर भाई को देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद यमुना ने मन से भाई यमराज को भोजन करवाया। बहन का स्नेह देख यमदेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर उन्होंने यमराज से वचन मांगा कि वो हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर भोजन करने आए, साथ ही मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई का आदर सत्कार के साथ टीका करे उनसे यमराज का भय ना हो। तब यमराज ने बहन को यह वरदान देते हुए कहा कि आगे से ऐसा ही होगा। तब से यही परंपरा चली आ रही है, इसलिए भैया दूज वाले दिन यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है। इस साल भाई दूज मनाने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। भाई दूज के साथ दिवाली के पर्व का समापन हो जाता है। इस बार भाई दूज 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 27 अक्टूबर को भाई दूज के साथ दिवाली पर्व का समापन होगा। द्वितीय तिथि 26 अक्टूबर को दोपहर 2:43 से शुरू होकर 27 अक्टूबर को दोपहर 12:45 तक रहेगी। इस दिन आप राहु काल को छोड़कर कभी भी भाई को टीका कर सकती हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक होगा। भाई दूज का तिलक करते समय किन किन सामग्री की जरूरत पड़ती है। कुमकुम, पान, सुपारी, फूल, कलावा, मिठाई, सूखा नारियल और अक्षत आदि। तिलक करते वक्त इन चीज़ों को पूजा की थाली में रखना ना भूलें। व्रत रखने वाली बहनें पहले सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत शुरू करें। इसके बाद आटे का चोक तैयार कर लें। शुभ मुहूर्त आने पर भाई को चौक पर बिठाएं और उसके हाथों की पूजा करें। सबसे पहले भाई की हथेली में सिंदूर और चावल का लेप लगाएं, फिर उसमें पान, सुपारी और फूल इत्यादि रखें। इसके बाद हाथ पर कलावा बांधकर जल डालते हुए भाई की लंबी उम्र के लिए मंत्र जाप करें और भाई की आरती उतारें। इसके बाद भाई का मुँह मीठा कराएं और खुद भी करें। प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, सुख समृद्धि के लिए तिलक लगाती हैं। कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो बहन अपने भाई के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती है उनके भाई को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है और भोजन करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो दोस्तों, इस तरह से पुराने समय से भाई दूज को मनाया जाता आ रहा है। आप भी अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करें और भाई दूज अवश्य मनाएं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।